को पार्टी में दावत क्यों नहीं देती हैं? जिंदगी में ना जाऊंगी आप उनको तो देखे देखे ये क्या बात हुई जब आप दावत उनकी है आपकी रिजेक्शन या इकरार होगा आप पहले उनको दावत का उनके अगर वैसे अनीजे जी सारी आपकी दिल की बातें नहीं कर दी उन्होंने नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देखे ना तो उनको पार्टी में दावत क्यों नहीं देती जिंदगी में ना जाऊंगी आप उनको तो देखे देखे ये क्या बात हुई जब आप दावत उनकी है आपकी रिजेक्शन या इकरार होगा आप पहले उनको दावत कहां उनके पास है ठीक कह रहे हैं अभी 3.5 साल में हमें बताया गया अंडे कट्टे मुर्गियां रख लो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी फॉरेन फंडिंग कर लो इंतजार फैला लें फिर साइफर फिर अपना मतलब उसके बाद आ जाए आप ये मियां साहब पे नहीं जी तंसीबात जलाओ घिराओ ठीक है ये हमने 3.5 साल में ही देखा तो जब आप इस चीज में से पाकिस्तान को निकालेंगे तो आप किसी तरह पाकिस्तान को नहीं मैं तो भी वो बात ही नहीं कर रहा कि निकालना विकालना मैं तो कह रहा हूँ कि वो उन्होंने बातें आपके कैसी लगी आपको उनकी बातें पाकिस्तान के आजाद शहरी हैं और वो जो उनकी राय है वो बहुत कीमती राय है और उनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन उन्होंने अभी बोला कि मैं कभी जिंदगी में नून लीग ज्वाइन नहीं करूंगा वो कैसी लगी देखिए वो अब उनकी अपनी एक पार्टी है ज्वाइन करेंगे तो भी सोबिस मिला नहीं करेंगे मकसद तो पाकिस्तान के लिए काम करना है ना इस तरह देखा जाए जवाब भाई आप इनको क्यों नहीं दावत देते अपनी पार्टी माने कि वो भी पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती हैं हम अपने अपने प्लेटफॉर्म पर रह के भी पाकिस्तान के लिए काम कर लें लेकिन पाकिस्तान के लिए कर लें अपनी जात के लिए ना करें जिस तरह के पिछले 4-3.5 सालों में किया उसने क्या किया अपने जायदाद बनाई बीवी की बच्चों की नहीं बच्चों की कौन सी जायदाद बनी नहीं कौन से मुझे बताए ना आप के जो उनकी वो जो कासिम और सलमान है उनकी नहीं उनके अलावा भी और कौन सी मेरे इल्म में नहीं है मैं भी देखे ना उनकी उनकी बीवी ने बनाए अच्छा अच्छा वो वाली आप कह रहे हैं वो वाले बच्चों से उनके बच्चे फिर इरफरा गोगी ये सारा क्या था फरा गोगी बच्चे नहीं फरा गोगी हमें बच्ची कहते हैं वो आपने सुना नहीं मैं कहां इतने गौर सुनता हूं जितने गौर से आप लोग सुनते हैं उनको बेगम साहिबा ने कहा था कि वो बच्ची है मैं तुम्हें पूछना चाहना है तुम गाने छोड़ के हुकूमत क्यों आ गए गाने सारी जिंदगी चलने हुकूमत 3-4 साल चलने अच्छा वो हुकूमत में नहीं आए सियासत में आए हुए हैं हुकूमत में तो वो आए हुए जो साथ बैठी हुई है सियासत वैसे मैडम कभी कभी दिल में आता है कि अब हुकूमत भी हमारी थी ये क्या किया चौधरी साहब ने जी पकड़ के हमें असेंबली से बाहर करवा दिया अच्छे खासे कम से कम अंदर एसी में तो बैठे हुए थे गर्मी ही बड़ी नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है जिन्होंने असेंबली में तहलील किया उनसे पूछे वो उन्हीं का बता रहा हूँ क्या किया उन्होंने आपने को वैसे कभी एक बार को टेक्स्ट ही कर देना था चौधरी साहब को पूछने के लिए कि चौधरी साहब की सूझी सी वो चौधरी साहब ने खुद नहीं कहा कि जेडी कीती है उन भुगतन गए ओए होए एक तो आपको उनकी सारी बातें याद है बिल्कुल हम तो सारी चीजें तेरे हक च हुन ते इलेक्शन करवा दे पहले एहतसाब होगा इलेक्शन कब होगा देखें जब असेंबलियों की 5 साल मुद्दत होती है कब हो रही है पूरी अक्टूबर में हो जाएगी इंशाल्लाह अक्टूबर में या 14 अगस्त को आखिरी देखें 14 अगस्त को तो ये वाली गवर्नमेंट खत्म होगी हाँ, तो फिर खत्म 3 महीने का इंटरिम पीरियड होता है उसके बाद पीरियड ना हाँ। तो इंटर आप लोगों की तो 13 अगस्त की रात 12 बजे ढोस आईनी है ना आईनी तरीका यही है हाँ, हाँ, के वही के मतलब इलेक्शन अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करके इलेक्शन होगा वो देखिए आप टाइम तो बताएं उन्होंने तैयारी करनी है वो अगले फुल कमर बांध के बैठे हुए हैं उनकी तैयारी है आपको कैसे पता है? उनकी है ये आपको सब कुछ पता है उनकी पार्टी का ही पता है उनकी पार्टी का ही पता है आपने दूसरों पे कितनी नजर रखी हुई है भाई मैं पाकिस्तान में रहती हूँ पाकिस्तान की शहरी हूँ पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ मुझे देखना है ना कि कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर है कौन नहीं है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है मैंने तो नजर रखनी है अभी भी पाकिस्तान ची बैठे शारजा तो रब्ता किया मैम आपसे मेरा ये सवाल है कि खान साहब इलेक्शन कही जा रहे हैं उनके पास ऐसा क्या है कि वो इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं और नून लीग को ऐसा क्या डर है कि वो नहीं करवा रही नहीं नून लीग को एक मिनट कोई डर नहीं है मुझे ये बताएं जब खान साहब हुकूमत में थे तब इलेक्शन क्यों नहीं कराया उन्होंने उन्हें हम भी कहते थे इलेक्शन करा लें जब सत्यानाश कर दिया इकॉनमी डबो दी इस वक्त आपके पास रिजर्व्स हैं आपके पास इतने वो नहीं है वसाइल कि आप इलेक्शन करा सकें जो वो कर रहे थे कि भाई जी मैं 50 सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ूंगा फिर री इलेक्शन होगा इलेक्शन तो नहीं खेलना ना इलेक्शन करवाना है हुकूमत बनवानी है किसी की वो पार्टी आनी है इक्तदार में मुल्क आगे चलाना है जवाब साहब आप इनकी बातों से एग्री कर रहे हैं यार वैसे देखो ये 3 बड़े लोग हैं बड़े का मतलब जो कंटेंडर हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के जी मुझे एक बात बताया मीडिया के आदमी है प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है अमेरिका में जी इस मुल्क में इन तीनों को इकट्ठे बिठा के प्रोग्राम क्यों नहीं होता लोग करते ही नहीं है ये ट्रेंड्स कहां से आए क्यों नहीं करते ये सवाल है ना ये तीनों आए
ये खड़े उसी तरह जिस तरह वो खड़े होते हैं पे या डाइस पे, और उसके बाद ये आपस में डिबेट करेंगे जब ये आएंगे तो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, लग पता जाएगा इनको भी और अवाम को भी। ये तीनों इकट्ठे नहीं बैठते, ये इसीलिए नहीं बैठते क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास पाकिस्तान का कोई भी हल है, और इसीलिए बैठते भी नहीं।